नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। एक तरफ यहां कोरोना महामारी से सारी दुनिया परेशान है, वहीं कभी केंद्र सरकार तो कभी राज्य सरकार आए दिन किसी न किसी चीज़ पे रेट बढ़ाती जा रही है। पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाकर आम लोगों की कमर तोड़ दी गई थी, वहीं अब पंजाब सरकार ने बसों के किराए में बढ़ोतरी करके आम लोगों की जेब पे बोझ डाला है। मेरे साथ यहाँ पे पठानकोट के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि पंजाब सरकार के इस फैसले से उनका क्या कहना है। आपका नाम? श्वेता महाजन। श्वेता महाजन जी, पंजाब सरकार ने जैसे रेट बढ़ाए हैं अपने बसों के, तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि जो रेट बढ़ा दिए हुए हैं बसों के, उनको चाहिए कि कम कर दें कि जो आम आदमी है वो भी बस में सफ़र कर पाए। जैसे कि आम आदमी बसों में सफ़र कर पाए, लोगों का यही कहना है कि जो भी सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं उससे आम जनता के ऊपर, उनकी जेब के ऊपर जो है वो बोझ पड़ा है। आपका नाम? कीर्ति। कीर्ति जी, पंजाब सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है कि कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो किराए बढ़ाए गए हैं इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए कि जिनके लॉकडाउन के चलते ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई है कि उनका घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चल रहा है और कहीं आने जाने में भी उनको दिक्कत आ रही है, और किराए के लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का कहना है कि ये जो रेट बढ़ाए गए हैं ये कॉरपोरेशन पे जो काम करते हैं लोग उनको सैलरी देने के लिए बढ़ाए गए हैं, उनकी सैलरी पूरा करने के लिए आम जनता के ऊपर बोझ डालना ये जायज़ है? नहीं, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग तो आगे ही लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं और कारोबार भी बहुत ठप हो गए हैं, और जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी दिक्कत की बात तो उनके लिए भी है कि उनके ऊपर सारा बोझ डाल देना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे मौजूद हैं, कोई इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? अश्विनी सल्होत्रा। अश्विनी जी, पंजाब सरकार के इस फैसले के ऊपर आपका क्या कहना है? इस फैसले में हमारा ये कहना है कि कोविड-19 के चलते, जो महामारी के चलते जो मार पड़ी है लोगों को, उसके देते हुए किराया नहीं बढ़ाना चाहिए था सरकार को। ये सरकार का जैसे ये बोलना है कि हमने कॉरपोरेशन की सैलरी देनी है, जो कॉरपोरेशन में काम करते हैं उनकी सैलरी देनी है, सैलरी देने से उनकी सैलरी के लिए आम जनता के ऊपर बोझ डाल दिया है ना, तो ये सही किया सरकार ने? नहीं, गलत किया जी, सही कहा किया जी, ऐसा नहीं करने चाहिए था, क्योंकि उनकी सैलरी के लोगों को थोड़ी दबाना नीचे, आगे कौन से पैसे हैं लोगों के पास, इधर खाने के पड़ी हुई है इनको, सैलरी की पड़ी हुई है उधर। लोगों का यही कहना है कि पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया है ये फैसला बिल्कुल गलत फैसला लिया है, और जो फैसला अभी लिया है वो फैसला इस मौके पर नहीं लेना चाहिए था। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन भरत शर्मा के साथ, पठानकोट।